नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई और ताज़ा वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 4 सितंबर सोमवार आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में कि 4 सितंबर सोमवार के दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा। साथ ही जानेंगे इस दिन आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा, कितना प्रतिशत भाग्य साथ निभाएगा और किस तरह से प्लान करके चलें ताकि दिन बने सबसे खास सबसे बेहतर। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज दिनांक 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार, तिथि की अगर बात करें तो कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 4:42 तक रहेगा और नक्षत्र है अश्विनी। आज का अभिजित मुहूर्त का समय 12:01 से 12:50 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय 7:40 से 9:19 तक रहेगा। प्यारे दोस्तों, इस राहु काल में कोई भी नए कामों की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधा आ सकती है। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। तो सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा मेष राशि में संचार करेगा पूरे दिन रात। आइए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल और यह प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों अगले इन 24 घंटे में आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आज के दिन आपके लिए काफी विशेष रहेगा। धन संपत्ति में लाभ होगा, कार्य में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त होगी और कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफी दिनों से अधूरे थे, पेंडिंग में पड़े थे, उन्हें पूरा कर सकती हैं। समय बहुत बढ़िया है। धन संपत्ति में तेजी से लाभ होगा, कार्यों में चली आ रही परेशानियां निर्विघ्न रूप से बाधाएं दूर होंगी और कार्य आपका निर्विघ्न रूप से पूरा होता चला जाएगा। नई नौकरी की तलाश में हैं तो कोई बड़ी कंपनी से शुभ समाचार मिल सकता है, किसी बड़ी कंपनी में ज्वाइनिंग कर सकती हैं। सरकारी कामों में भी आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ बेरोजगार लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है, उन्हें कोई अच्छी जगह जॉब मिल सकता है, बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। और दोस्तों, आपको बिजनेस में व्यापार में रुका हुआ धन मिल सकता है, पैसा प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, कुछ समय से आप अपने कार्यालय में आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपने मालिक की नज़रों में काफ़ी ऊपर उठाएगी और पदोन्नति भी आपका इंतज़ार कर रही है। परंतु दोस्तों, आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका जो है मन खराब कर सकती है। ये आपके लिए मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर बुरी बात आप सुनते हैं तो आपको वहीं जो है ख़त्म कर देना है जहां आप सुनते हैं, अन्यथा आपके माइंड में वह रहेगा, घूमेगा तो आपके लिए ही परेशानी उत्पन्न करेगा। नकारात्मक बातों से, नकारात्मक लोगों से दूर रहें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें आज आप थोड़ा नर्म रहेंगे और दूसरों की स्वार्थ रहित सेवा करेंगे। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए आप अपना समय, स्थान, पैसा और यहां तक कि अपना भोजन भी लगाएंगे। लोग आपकी इसके लिए तारीफ करेंगे, लेकिन अपनी सीमाएं निर्धारित करें। आप अपने बच्चे पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, उन्हें कोई संक्रमण हो सकता है। घर पर रहें और घर का स्वच्छ भोजन करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके उपरांत आज आप अपने आसपास की चीज़ों को बदलने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन जरा शांति से बैठकर यह भी सोचें क्या उन्हें बदले जाने की वाकई कोई ज़रूरत है भी। आप जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे
उनमें आपकी सफलता तय है, लेकिन यह किसी और को तय करने दें। आज आपको करना क्या है, आज आप दृढ़ संकल्प में भरे रहेंगे और समय बहुत बढ़िया है, अच्छा कहा जा सकता है। दोस्तों, सितारे कहते हैं इस समय आपको अपने जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना आपके लिए समान दर्दनाक होगा। आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए, नहीं कि दूसरों की, क्योंकि दोस्तों आपका जो दिल कहता है, जो दिमाग कहता है, वही करें। दूसरों की बातों पर चलना अभी आपको नहीं है, नुकसान हो सकता है। आपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहती हैं। देखिए दोस्तों, आपके लिए अभी समय बढ़िया है, लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं दिखाना है। हड़बड़ी में आपकी सारी कामें गड़बड़ी हो सकती है। शांत मन पर बैठिए और दोबारा सोचिए कौन सा काम करना आपके लिए सही रहेगा, तभी करिएगा। बेवजह चिंता आपको नहीं लेना है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। आपका दिमाग आज बहुत सक्रिय है, आप अपने विचारों और प्रेरणा से भरे हुए हैं। आपके दिमाग में निरंतर नई योजनाएं आती रहेंगी, आप उनके बारे में बहुत आसानी से सोच भी पाएंगे और उन्हें क्रियान्वित भी कर पाएंगे। आपकी एकमात्र समस्या यह रहेगी कि आप अपने दिमाग में लगातार आते रहने वाले विचारों की बाढ़ में उलझने से रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके उपरांत सितारे कहते हैं कि आज आप बहुत महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे और नए अवसर आज आपके कार्यक्षेत्र में खुलेंगे और आप इनका लाभ लेने के लिए उत्सुक होंगे। ध्यान रखें कि आपकी उत्सुकता आपके सहयोगियों के बीच ईर्ष्या का कारण न बने, इसलिए थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि अपनी परियोजनाओं की सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित बल्कि अपने सहकर्मियों का भी समर्थन करना भी बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, भाग्य अभी आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। जो काम आपका अधूरा था वो काम भी अब आपका बनने लगेगा। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, फंसा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप इन शुभ समय का आनंद लें और इनका सदुपयोग करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी। अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग है हरा कलर और शुभ अंक है 7। दोस्तों, भाग्य साथ देगा तकरीबन 65%। तो दोस्तों, भाग्य का साथ मिल रहा है। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।